सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि मेरा जिंदगी यहाँ से शुरुआत हुआ। ये मेरा पुजारी हुआ है, इसमें पुजारी हुआ है जो कि आजकल कहा जा रहा है एंगेजमेंट। हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक साथ खाना खाते हैं और जानेंगे कि क्यों हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, मतलब कोई अकेले क्यों नहीं खाता है। तो चलिए पापा मम्मी का राय देखेंगे कि वो लोग खुद बताएंगे कि क्यों ऐसे हम लोग साथ में खाते हैं, साथ में खाने से क्या फ़ायदा मिलता है, क्या घाटा मिलता है। चलिए जानते हैं उनकी राय और देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। चलिए तो ये देखिए खाना जो है निकल चुका है हम लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए और ये लोग भी। तो पापा मम्मी ये बताइए आप लोग, हम लोग खाना साथ में क्यों खाते हैं? साथ में क्यों खाते हैं खाना? साथ में खाने का आनंद ही कुछ और है, और परिवार के सभी लोग एक साथ जब खाते हैं तो अच्छा लगता है और एक प्रेम बढ़ता है, आपस में सब लोग एकजुट रहते हैं। एक साथ खाने से यही फायदा होता है कि किसी को कम रहता है या किसी से ज़्यादा रहता है तो हम लोग मिल बांट के खा लेते हैं, इसीलिए एक साथ खाया जाता है। तो चलिए अब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप लोगों को आज जितना भी जो भी अगर होता है आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए खाना खाने के बाद आपसे बात करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप लोग जिस समय भी देख रहे हैं ये वीडियो, आप आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। लेकिन एक चीज़ मुझे आप लोगों से बस बोलना है कि जो पहले का लोग था, यानी कि मतलब पहले का लोग मतलब जो थोड़ा सा मतलब ओल्ड हो गए हैं, हम लोग तो यंग हैं, तो बस इतना पूछना था कि पहले का जो लोग थे वो लोग फ़ोटो खिंचवा के वो लोग एल्बम में रखते थे, और अभी का लोग एक अपने फ़ोटो खींच के फ़ोन में रहता है, और जैसे मतलब नया फ़ोटो खींचना होता है तो सोचते हैं हम लोग ज़रूरी है क्या ये फ़ोटो, इसको डिलीट करो। लेकिन पहले का जो लोग था वो लोग मतलब जैसे हम लोगों के घर में मम्मी हुई, पापा हुए, उसी तरह से बहुत ज़्यादा पुराने लोग फ़ोटो खींचवा के रखता था लोग। तो इससे ये पता चलता है कि हम को फोटो रखना चाहिए क्योंकि ताकि हम लोग भी कभी जब देखें तो याद आए। तो क्यों ना आप लोगों को मम्मी बहुत देर से देखे कि कुछ देख रही है फ़ोटो में और उनको पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था। चलिए उनसे पूछते हैं कि कैसा फ़ोटो देख रही हैं, और मेरा भी उसमें कुछ फ़ोटो है जो हम ऐसे मेरा भाई ऐसे किया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्यों चलते हैं ना वीडियो देखने के लिए, लेट्स गो। तो देखते हैं मम्मी अभी क्या कर रही हैं उतना देर से। क्या कर रही हैं मम्मी आप? आज कुछ याद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं फोटो, पहले का आप लोग का फोटो है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि मेरा जिंदगी यहाँ से शुरुआत हुआ। ये मेरा पुजारी हुआ है, इसमें पुजारी हुआ है जो कि आजकल कहा जा रहा है एंगेजमेंट और सगाई। तो पहले लड़का लड़की को नहीं देखते थे, इसी तरह शादी माँ बाप फिक्स करते थे और हो जाता था। आज वो संबंध आज भी निभा रहा है और सब लोग खुशी से निभा अपना पार लगा रहा है, लेकिन आजकल के बच्चे लोग को बिना देखे शादी नहीं हो रहा है। और ये दूसरा है, जब सचिन मेरे गोद में 2 मंथ के थे और हम ये गांव का घर है मेरा पुराना, इसी घर में हम आए थे, वहाँ से हम आए। जब ये लोग बड़ा हुआ तो ये पूजा का 3रा साल बर्थडे था, चौथा था। और ये सचिन है, ये प्रिंस है, ये पूजा है। अब देखिए कुछ दिन पहले हम लोग मतलब 2011 में हम लोग गए थे दिल्ली घूमने। तो ये राजघाट का फोटो है, इसमें सचिन है साथ में, हम अपने साथ में परिवार को लेकर जाते थे
और इन लोगों को सब जगह घुमाए हुए हैं। तो ये लोग गए थे और अभी हम कुछ दिन पहले पूजा का उनके हस्बैंड को देखने गए थे बेंगलोर, जो शादी करने के समय 16 में हम गए थे वहाँ। तो ये हम रामेश्वरम गए थे। तो ये सचिन है, इनके पापा हैं और हम हैं। बहुत दिन पहले हम लोग वैष्णो माता गए थे, तो वहाँ का ये फोटो है। ये सचिन और प्रिंस था लो साथ में। ये सचिन है, ये प्रिंस है। अब मेरे बड़े पापा का भाई, उनका बेटा छोटे थे, जो हमसे छोटे हैं, उनका शादी में हम गए हुए थे उनके अपने मायके। तो ये इनके पापा हैं और ये हम हैं। लीजिए फोटो दीजिए, ये अच्छा था। और आप लोग देखिए, ये हम सिक्किम गए थे अपने बहन के यहाँ, तो वहाँ उनकी पोती है। सिक्किम का ये फोटो है मेरा, ऐसे 15 साल पहले का फोटो है। ये मेरा घर यहाँ का बन रहा था, तो ये मेरा फोटो है। उस समय सचिन 5 साल के थे। ये गंगटोक का है, गंगटोक में हम गए हुए थे घूमने, वहाँ का है। ये आप लोग देख के पहचान जाएंगे, लोटस टेंपल का है, वहाँ पे हम गए हुए थे। तो वहाँ का मेरा ये पीक है, दिल्ली का। और ये मेरा स्कूल में, मेरा स्कूल का है, ये भी मेरा स्कूल का फोटो है। और ये प्रिंस जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अभी वीडियो बना रहे हैं। ये हम हैं और ये सचिन 1 साल के थे जब, तो हम रेंट के घर में रहते थे आंध्र ढाला पे। वहाँ ये कौन है मामी? हम हैं। जब ये प्रिंस ऑफ होने वाले थे उस समय का फोटो है। तो देख लीजिए ये अभी पहले कैसे थी और अभी कैसे हैं। 96 में ये 96 का फोटो है। चलिए थोड़ा जल्दी। और ये हम लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे कुशीनगर। ये कुशीनगर का मेरा स्टाफ है लोग, 2 आदमी। ये प्रिंस है, ये पूजा है, बैठिए जहाँ, ये हम हैं। ये पूजा का 6 साल का बर्थडे है, वो मना रही है अपने स्कूल में। ये हम लोग चिड़ियाघर गए थे पटना में, तो वहाँ बच्चे लोग को टूर हम लोग लेके जाते थे स्कूल का, तो वहीं पे हम लोग गए थे। तो ये खींचा है फ़ोटो। ये वैष्णो माता का फ़ोटो है, जिसमें ये सचिन है, उनके पापा हैं। ये हम हैं, ये सचिन हैं। ये इंडिया गेट के पास है, वहीं का ये सीन है। और ये मेरे स्कूल का है। ये दिल्ली रूम में हम लोग ठहरे हुए थे, वहाँ का है। ये लोग गाइस, ये लोग साइड में बैठने के लिए बहुत परेशान करते थे लोग हमको, तो हम बैठने नहीं देते थे कि हाथ बाहर निकालेगा लोग खिड़की से। इसलिए अभी जस्ट ये लोग हटा था तब तक मेरे हाथ पर गिर गया वो शीशा, ये कटा हुआ है, खिड़की का शीशा गिर गया। ये मेरा उंगली कटा हुआ है। दोनों भाई लड़ता था लोग, हम बैठेंगे। ये कब कहाँ का है? ये ऑफिस का है मेरा, स्कूल का। ये भी स्कूल का है। ये दादी, ये दादी है तुम्हारी, और ये पूजा है, और ये तुम हो, ये तुम हो। मेरा वाला फोटो कहाँ है? वो ये हम पापा हैं, शादी का 4 साल के बाद। ये वाला, ये हम शादी के 3 साल के बाद, मेरी ननद है छोटी, जो लक्ष्मी बुआ अभी करके फोटो डालता है, तो वीडियो बनाया था वो है। ये हम है। बहुत नहीं लग रही। ये देखिए, ये भी है, तुम था 2 साल का, उस समय का ये फोटो है। तो सचिन भी, ये सचिन है, ये पूजा है। तुम लोग आपस में बहुत प्रेम रहता था, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग गए थे कटरा, जो वैष्णो माता के पास जाना था तब का है। ये चिड़ियाघर का है, पटना का। ये लोटस टेंपल का है, दिल्ली का।
तो इसमें सो के आइए देखिए कुतुब मीनार है ना, कुतुब दिन ऐबक बनवाए। हाँ ये इंडिया का गेट है, इंडिया गेट है। ये क्या कर रही है? ये मेट्रो है, मेट्रो का स्टेशन वहाँ पे हम लोग गए थे पहले बार, यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। ये वाला क्या? ये राजघाट का है। भाग रहा था भैया ना इधर उधर, तो हम पकड़ के ले जा रहे हैं उसको वहीं का। ये कहाँ? ये विशाखापट्टनम का फोटो है, इसका एडमिशन जब कराने गए थे तो लेके गए थे। ये हम हैं। हाँ ये तुम हो, ये है। ये भी वैष्णो माता गए थे तो सचिन मेरे गोद में बैठा हुआ है, और उस समय का ये फोटो है। ये भी वही का है। ये महात्मा गांधी के समाधि का फोटो है, ये सचिन है, ये हम है। हमारा तो कौन है फोटो? ये कौन है? यहाँ तुम है और हम है। तो मेरा चेयर नहीं लग रहा है, मेरा ऑरेंज था। सबका चेयर खरीदे हुए थे, तुम्हारा भी, दीदी का भी, भैया का। दीदी वाला है? नहीं तुम्हारा ही है। मेरा ऑरेंज था। ऐसा ही लड़ता था तू लोग। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो यही रहा, हम अपना यादगार देख रहे थे। सो गाइज ये है पार्ट वन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप लोग बताइएगा। वीडियो टू जो पार्ट टू अभी वहाँ रखा हुआ है, बहुत सारा है। तो आप लोग पार्ट टू जो है वो अगर देखना चाहेंगे तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइए, कमेंट जरूरी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी बहुत सारा चीज़ है अभी आप लोगों को बताना है, ऐसे ही आप लोग हमेशा। सो गाइस आप लोगों ने अभी देखा जो वीडियो जो आप लोगों को देखने को मिला कि कुछ यादें जो मम्मी देख रही थी, और अचानक से मैं देखा कि मम्मी क्या देख रही हैं उतना दिन के बाद, अच्छा शांति से बैठ के तो देखे कि उतना सारा चीज़ था। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा थोड़ा भी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और पार्ट टू अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही मैं जो पार्ट टू डालूँगा और वो पार्ट टू तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने भाई को और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू, बाय। जय हिंद, बाय।